सबको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है? टेल मी यस और नो। यस सर, देखो एक्सरसाइज यस 11.2 सर, क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉइंग कर देता हूँ, ऐसा है रेक्टेंगुलर, ठीक है। लेंथ कितनी है उसकी? 500 है, ओके। एंड ब्रेथ है उसकी 300, यानी कि ब्रेथ कितनी है? 300 है, ठीक है। ऐसा रेक्टेंगुलर है, कल हमने ट्राई किया था, मीन्स हमने बहुत सारे सम इसके इक्वेशन देखे थे। व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये सारी चीज़ें कल हमने सॉल्व कर दी थी, ठीक है। उसके रिलेटेड ही समय, ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हमको लेंथ दी है एंड ब्रेथ दी है, क्या फाइंड करना है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है हमको पता है, एल मल्टीप्लाई बाय बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ। 500 मल्टीप्लाई बाय 300 यानी कि 5 3 होगा 15, 5 3 15, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने काउंट किया कितनी जीरो, एक दो और इसके दो, यानी कि 4 0 पीछे मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे आपको एक जीरो आउट पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 500 है 300 है, यानी कि यहाँ पे एक जीरो और आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सबको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? एल मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, बी करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सबको मेरी, पहले तो मुझे ये बताओ सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। अभी सब में आपको पता चल गया? नो, यस और नो? यहाँ पे देखो, यस सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही किया है, कुछ किया ही नहीं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमको पता है, ठीक है। पहले हमें एरिया फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है वो हम देखते हैं अभी। पहले हमें तो हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी थी? 500, ब्रेथ कितनी थी? 300। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। सिंपली आपको आंसर आएगा 15 और ये 1 2 3 एंड 4 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जीरो कम डाला है, ठीक है, बाय मिस्टेक से, पर आपको यहाँ पे 4 0 आएगा क्योंकि इसके दो जीरो और इसके दो जीरो वो पीछे पुट कर देने और 5 3 15 हो गया। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, कुछ मल्टीप्लीकेशन करने की उसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर देखो सेकंड चीज हमें क्या फाइंड करनी है, सेकंड चीज है द कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज, ठीक है। अभी देखो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। अभी हमको ऐसा रेक्टेंगुलर था, ठीक है, वो पीस का, और ये क्या था, 500 उसकी लेंथ थी एंड 300 उसकी ब्रेथ थी, ठीक है। अभी देखो कॉस्ट फाइंड करना है कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि सपोज कि 1 मीटर स्क्वायर इतनी लैंड हो रही है, इतनी का कॉस्ट कितना है? 10,000, ठीक है। अभी हमारे पास एरिया कितना है टोटल? 15,000 नहीं, उससे ज़्यादा, 1,50,000 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो भी था, ठीक है, 1,50,000। इतना बड़ा एरिया है हमारे पास। अभी सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 10,000, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कितना? एक चॉकलेट की कीमत 2 रुपये है, तो 5 चॉकलेट की कितनी होगी? सिंपल वैसा ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इक्वल टू 10,000, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे एक जीरो आउटपुट करना है, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ओके, कितना होगा? तो आपको दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, देखो पहले तो आपको क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 आप करोगे ना, तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जितने जीरे डालने उतने डाल दो, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, इतना बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। आप अपने खुद से ट्राई करना, ठीक है, कि क्या आएगा आंसर, क्योंकि हमें तो क्या करना है, सिर्फ दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, पहले 15 और 10 का कर देना है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 150, क्योंकि 15 टेंस भी 150 होता है, ठीक है, ये 150 डाल दिया। फिर देख रहा है अभी कितने जीरो बाकी है इसमें, 1 2 और 3, तो पहले इसके पीछे 3 0 डाल दो, 1 2 एंड 3, और इसके पीछे भी 3 है, तो उसके बाद में भी 3 0 डाल दो। ये हमारा नंबर, न जाने कौन सा कितनी
कितना पैसा लगेगा आप सोच लो। 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 था तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कितना होगा सोच लो। देखो अभी तो मुझे तो 100 करोड़ से 100 करोड़ अराउंड लग रहे। देखो वंस ये उसकी 1 पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, 100 पोजीशन है, ये 1,000 पोजीशन है, ये 10,000 है, ये 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ठीक है अभी इतना सारा पैसा लगेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। यस रुपीस हो गए, यहाँ पे रुपीस की साइन भी पुट कर देनी। ठीक है इतने रुपीस हो गए। ठीक है जो पोस्ट इतनी हो गई। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ठीक है एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर हमको दिया है स्क्वायर का। ठीक है और वो स्क्वायर पार्क है। अभी स्क्वायर स्क्वायर का भी हमको पता है, स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर हमको पता है। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 मल्टीप्लाई साइड है, और स्क्वायर का एरिया क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड है। ठीक है ये हम जानते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर पार्क है। ठीक है स्क्वायर पार्क है और उसका पेरीमीटर हमको दिया है। ठीक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 320 मीटर हमको दिया है। अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 320 हमको दिया है। अभी साइड की वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं। ठीक है साइड की वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं, यानी कि ये कहाँ पे चला जाएगा? इसके डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का डिवीजन करोगे, ये देखो 8 4 4 8 32 आएगा, 80 मीटर हो गया। ठीक है यानी कि हमको क्या मिल गया? इसका एक साइड की वैल्यू हमें मिल गई। कितनी मिली? 80 मीटर हमें मिल गई। ठीक है अभी हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आप कर देना, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 80 करना है। ठीक है 80 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 80 करना है। 8 8 जा क्या होता है? 64 होता है। 8 8 जा क्या होता है? 64 होता है। और ये दोनों जीरो पुट कर दो पीछे। ठीक है और यहाँ पे आपको पुट कर देना 6,400 मीटर स्क्वायर। ये मिस्टेक से भी ये यूनिट लिखने का भूल नहीं जाना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके इसका आंसर भी क्या आएगा? एरिया फाइंड करना था, पहले हमने साइड फाइंड कर ली, उसके बाद में हमें एरिया फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं नो सर, है ना कोई प्रॉब्लम? देखो नो सर, नो यहाँ सर, नो बहुत ही सिंपल से सम है। देखो यहाँ पे नीचे मैंने नो सर। ओके साइन मल्टीप्लाई में साइन करके। ओके फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो ब्रेथ फाइंड करनी है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ कि रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ ऐसा था। ठीक है उसकी ब्रेथ हमें नहीं पता है। ठीक है फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इट्स एरिया इज फॉर, यानी कि एरिया भी हमको दिया है यहाँ पे। ये पूरा एरिया दिया है फॉर 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ दी है 22। लेंथ दी हमें 22 और एरिया दिया है 440 मीटर स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड इज पैरामीटर। ठीक है कुछ कोई बात नहीं, क्योंकि हमें एरिया तो दिया है ना, तो हम उसमें से इक्वेशन के ये जो फॉर्मूला है उसमें से हम ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। ठीक है एरिया कितना है? 440 है। लेंथ कितनी है? 22 है। ब्रेथ हमको पता नहीं अभी। इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है तो अभी इसके आगे क्या होगा? देखो यहाँ पे था 440 और उसके नीचे आ जाएगा 22 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है क्योंकि ये बी यहाँ पे है और ये मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए उसके यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। अभी इन दोनों का देखो सॉल्व किया, 22 फोर जा क्या होता है? 44 होता है, इसलिए बी हमें मिल गया है 20। ठीक है बी क्या मिल गया है हमें? 20 मीटर यहाँ पे मिल गया है। ओके बी मिल गया, यानी कि ब्रेथ हमें मिल गई है। दस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर। ओके अभी हमको सेकंड चीज फाइंड करनी थी पैरीमीटर। ठीक है सेकंड चीज क्या फाइंड करनी थी? पैरीमीटर। पैरीमीटर का इक्वेशन हमें पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके यानी कि लेंथ भी हमें हमारे पास है और ब्रेथ भी है। लेंथ तो हमको दी थी 22, ब्रेथ हमने फाइंड कर दी 20, यानी कि 22 प्लस 20 20, 20 प्लस 20 40 प्लस 2 42 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 84 मीटर। देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि ये पैरीमीटर है एरिया नहीं है। यहाँ पे ब्रेथ ही थी इसलिए मीटर था, पर यहाँ पे एरिया में ही सिर्फ मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आता है। ये सब में कोई प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 3 में?
सर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। देखो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है, कोई भी रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, उसका पैरीमीटर हमको दिया है। पैरीमीटर यानी कि समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। वो क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इज ब्रेथ। वैसा ही क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में हमको एरिया दिया था और उसकी ब्रेथ फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमको पैरीमीटर दिया है, उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला तो है, क्या है कि देखो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू के 2 × l + b है, ठीक है। अभी देखो पैरीमीटर कितना दिया है हमको, 100 सेंटीमीटर, जो तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 2 × लेंथ हमको दी है, हाँ कितनी है, 35 सेंटीमीटर दिए, तो यहाँ पे भी पुट कर दिए। बी नहीं दिया है तो मैंने वैसा का वैसा ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या करना है, इस इक्वेशन को अभी अब क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, देखो यहाँ पे, फिर देखो ये इक्वेशन था हमारे पास, फिर मैंने क्या कि इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया, यानी कि 2 × 35 यानी कि 70 सेंटीमीटर, प्लस की साइन बीच में, और फिर 2 × b यानी कि 2b, ठीक है। 2 × b यानी कि 2b हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है। अभी इस टर्म को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये माइनस हो जाएंगी, क्योंकि 100 − 70 हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग करना है, प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस हो तो प्लस होगा, यहाँ पे कुछ साइन नहीं, दैट मीन्स वो माइनस होगा। 100 − 70 यानी कि 30 सेंटीमीटर, यानी कि 2b = 30 सेंटीमीटर है। अभी मुझे b चाहिए, 2 नहीं चाहिए, यानी कि b यानी कि 2 इसके डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसके डिवीजन में, यानी कि यहाँ पे आ गया, देखो 30/2 यानी कि ब्रेथ आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ब्रेथ हमें मिल गई, ठीक है। अभी हमारा काम ईजी होगा, हमें क्या फाइंड करना है, अभी देखो उसका हमें फाइंड करना है यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि लेंथ तो हमारे पास थी 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड कर दी 15 सेंटीमीटर। 35 × 15 = 525 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर अकेला नहीं होगा, ठीक है, ये स्क्वायर पुट कर देना है, ओके। इस समय का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 में। एनी डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। देखो एरिया दोनों का सेम है ऐसा बता रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। दोनों का एरिया सेम है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर पार्क है, ऐसा एक ऐसा स्क्वायर पार्क है, ठीक है, और दूसरा क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, ये कुछ रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा है, ठीक है। दोनों का एरिया जो है ना वो सेम है, यानी कि अगर सपोज ये 50 मीटर स्क्वायर है तो ये भी 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा ऐसा हमको दिया है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर, अगर स्क्वायर की एक साइड दी है हमको, यहाँ पे एरिया भी हमको दिया, दोनों का सेम इतना दिया है, वैल्यू नहीं दी, तो स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 60 मीटर दिया है, क्या दिए 60 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की हमें ओनली लेंथ दी है, ओनली लेंथ दी है, और वो कितनी है, 90 मीटर, क्या दिए 90 मीटर दिए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, यानी कि ये ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। देखो इसको फाइंड कैसे करोगे, हमारे पास डेटा कितना है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है, ठीक है। अभी जो स्क्वायर की साइड की वैल्यू दी हमें 60, पर जो रेक्टेंगुलर पार्क की जो है उसकी हमें सिर्फ ओनली दी है लेंथ दी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। अब अभी हमारे पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि भी हमें एरिया तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हमको पता चल जाएगा स्क्वायर का एरिया हम फाइंड कर देंगे, और दोनों का एरिया तो सेम ही है, यानी कि जो स्क्वायर का एरिया है वही ये रेक्टेंगुलर पार्क का है, तो पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर देंगे। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक साइड की वैल्यू दी और स्क्वायर की सभी साइड की वैल्यू सेम होती है, तो पहले मैंने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर दिया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि 60 × 60 यानी कि 3600 मीटर स्क्वायर। अभी मुझे ये भी पता है कि दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, तो उसके बाद में मैंने ये लिखा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, दोनों का एरिया सेम है, यानी कि उसका भी क्या होगा,
00 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये तो हम जानते हैं क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अभी एरिया तो हमें मिल गया, दोनों का सेम था, यानी कि इसका भी 36000 था, लेंथ तो हमको पता है इसकी 90 मीटर थी। ठीक है, ब्रेथ हमें पता करनी थी। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, 36000 / 90, तो ब्रेथ हमें मिल गई 40 मीटर, यानी कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 40 मीटर हो गई। ठीक है, बहुत इजी था, कोई डाउट था इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है, ठीक है, और उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल के जैसा। सपोज कि मेरे पास ऐसा एक वायर है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और उसमें से मैं बना देता हूँ ऐसा एक रेक्टेंगल। ठीक है, उसमें से मैंने बना दिया रेक्टेंगल। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 मीटर। अब जब मैंने रेक्टेंगल बनाया उसमें से, तो उसकी लेंथ कितनी आई, 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितनी, 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ आई है 22 सेंटीमीटर। ओके, इफ द सेम वायर इज रीबैंड, और इसी वायर जो है उसको मैं फिर से बैंड करता हूँ, ठीक है, रीबैंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अब इसी ये जो वायर है उसमें से अभी मैं स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने स्क्वायर बना दिया। देखो वायर की लेंथ सेम है, और एक बार मैंने उसमें से रेक्टेंगल बनाया, दूसरी बार मैंने उसमें से स्क्वायर बनाया, सिर्फ इसको क्या किया, रिबैंड किया और फिर से उसमें से स्क्वायर बना दिया। ठीक है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तब ये हर एक साइड की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर बनाऊंगा। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, और मुझे ये भी फाइंड करना है कि जब एक ही वायर था, ठीक है, दोनों में से जब मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो इसका एरिया क्या था, और स्क्वायर का बनाया, जब मैंने स्क्वायर बनाया तो इसका एरिया क्या था, उस कौन सा एरिया बड़ा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, ठीक है, कौन एरिया, किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का है या रेक्टेंगल का है। क्वेश्चन में पता चल रहा सबको क्या करना है क्या नहीं है, एक ही वायर था, लेंथ। यस सर। देखो यहाँ पे एक चीज मुझे पता चली, दोनों की लेंथ सेम है, यानी कि दोनों का पैरीमीटर सेम है, क्योंकि पैरीमीटर यानी थी क्या, मीन्स समय समय लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये बाउंड्री थी ना, टोटल हमारे पास इतनी लेंथ थी, तो अभी इससे तो बढ़ेगी नहीं, यानी कि दोनों का पैरीमीटर यहाँ पे सेम होगा, वो मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि वायर तो एक ही था, अभी उसमें से मैंने रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर बनाया, पर उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, टोटल लेंथ तो उसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि उसमें से मैंने आफ्टर ऑल बनाया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है उसको भी देख लो। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ × ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ मुझे पता है 40 + 22, यानी कि 40 + 20 = 62, यानी कि पैरामीटर कितना हुआ, 124 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर हुआ। तो 124 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर हुआ, दैट मीन्स स्क्वायर का पैरामीटर भी कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि दोनों सेम वायर में से मैंने, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, द सेम वायर इज रिबेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, सो therefore perimeter of square is equal to perimeter of rectangle is equal to कितना होगा, 124 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दोनों सेम ही होगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 124 / 4। क्यों साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, क्योंकि देखो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, 4 × साइड होता है, 4 × साइड होता है ना साइड। ठीक है, इज इक्वल टू पेरीमीटर हमारे पास कितना था, 124 था। अभी साइड मुझे फाइंड करनी है, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, 124 / 4 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, फिर देखो यानी कि इसका डिवीजन करोगे तो आपको साइड की वैल्यू मिल गई 31 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मुझे सेकंड क्वेश्चन ये था कि दोनों में से कौन ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, वो भी क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, तो अभी मुझे साइड मिल गई, तो पहले मैंने, चलो मैं फाइंड कर ले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं फाइंड कर लेता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों थी। ठीक है, देखो यहाँ पे थी ना, तो यहाँ पे 40 × 22 यानी कि 880 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया हुआ, रेक्टेंगल का। अभी मैं स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेता हूँ, 31 × 31। ठीक है, 31 × 31 यानी कि कितना होगा, 31 × 31 यानी कि होगा, देखो यहाँ पे 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि देखो यहाँ पे ये चीज़ मुझे पता चली कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है कंपेयर टू रेक्टेंगल। ठीक है,
तो इसका 961 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और जो रेक्टेंगल का था 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये कंसेप्ट याद रखो, जो लेंथ थी जो भी वायर की वो सेम थी, पर एरिया स्क्वायर का बड़ा आता है, ठीक है, एरिया स्क्वायर का बड़ा आता है कंपेयर टू रेक्टेंगल। पेरीमीटर दोनों का सेम आता है, ठीक है, वो तो सही है क्योंकि लेंथ दोनों की, पर एरिया डिफरेंस आता है एरिया में। स्क्वायर का एरिया बड़ा है, रेक्टेंगल का एरिया छोटा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, अभी एक ही लड़के यस को सर, ये सिद्धि स्वादी तो मैं बोल ही नहीं रहा है कि पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। रिया, यस क्या सर, आपको पता चला? रिया, यस सर, ओके। व्योम, व्योम तो कुछ बोलता ही नहीं है। व्योम, सर, क्लास के टाइम। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सर, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, फिर से बोलो। तुलसी, क्या मेरी प्रॉब्लम? तुलसी, वो खोल अपना फेस खोलता भी नहीं है और वो बोलता भी नहीं है। अच्छा ऐसा है, हाँ कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, देखो मैंने पहले यहाँ पे 8 लिया है, उसके बाद में मैंने 7 लिखा है। 7 आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क में बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको भी अच्छे से देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले तो क्वेश्चन में पता चल गया ना, दैट दैट मींस हमको आंसर आ जाएगा। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर वाइज फिटेड ऑन अ वॉल। ये डोर है, यहाँ पे मैंने दिखा है आपको, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमको दी है। लेंथ क्या है 2 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर, ये एक दीवार पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर देखो द लेंथ ऑफ वॉल, अभी ये वॉल की बात करें, यानी कि ये पूरी वॉल, ठीक है, ये पूरी वॉल की बात है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी वॉल। द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी है 4.5 है, एंड ब्रेथ कितनी है उसकी 3.6 सेंटीमीटर, कितनी है 3.6 सेंटीमीटर, ओके। ये जो फिगर 11.6 है उसमें हमको दिखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। देखो इसको इसको है ना, इसका यहाँ पे व्हाइट वॉश करना है, यानी कि इसको एक कलर करना है, ऐसा ही सोच लो। पर देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो, यहाँ पे तो एक डोर है। तो पहले तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डोर का एरिया मैं फाइंड करूँगा, इसका एरिया मैं फाइंड कर दूंगा, उसके बाद में ये पूरी जो दीवार है ना उसका एरिया मैं फाइंड कर दूंगा पूरा, उसमें डोर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, जो जो दीवार का एरिया है उसमें से मैं डोर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि इसमें मुझे कलर नहीं करना है, वाइट वॉश नहीं करना है, ओके। यानी कि मुझे एरिया पता चल जाएगा कि मुझे कितना एरिया में वाइट वॉश करना है। तो फिर आफ्टर में मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सिर्फ इतने एरिया में ही वाइट वॉश करना है और डोर इंक्लूड नहीं करना है, उसमें डोर मुझे इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि ये सब ही मुझे वाइट वॉश करना है, यहाँ पे डोर का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे पैसे ₹20 पर मीटर स्क्वायर वो मैं फाइंड कर लूंगा। देखो कैसे मैंने सम सॉल्व किया है उसे अच्छे से देख लो। देखो पहले मैंने फाइंड किया है एरिया ऑफ वॉल, देखो एरिया ऑफ वॉल यानी कि पूरा का पूरा वॉल का एरिया, पूरा का पूरा आ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा वॉल का एरिया, पूरा यानी कि ये पूरा हो जाएगा, उसमें डोर वोर सब कुछ, एरिया ऑफ वॉल मैंने फाइंड कर दिया। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3.6 यानी कि 16.2 मीटर स्क्वायर। पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन आई होप कि आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर मुझे बताना, ठीक है, बहुत सिंपल है। 45 मल्टीप्लाई बाई 36 करना है, लास्ट में जो आंसर आया उसमें से 1 एंड 2 पॉइंट आपको कट कर देना है, इसका आंसर आप करोगे तो 16.20 आएगा, ओके। फिर देखो एरिया ऑफ डोर, उसके बाद में सेकंड चीज मैंने फाइंड की है, एरिया ऑफ डोर फाइंड किया है, क्या किया, एरिया ऑफ डोर किया है, ठीक है। तो उसका भी वो भी रेक्टेंगुलर था, एल मल्टीप्लाई बाई बी यानी कि 2 मीटर स्क्वायर उसका आ गया। फिर देखो एरिया टू बी वाइट, यानी कि मुझे जो टोटल एरिया था उसमें से एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर करना पड़ेगा, क्योंकि डोर में तो मुझे वाइट वाइट वॉश करना नहीं है, ठीक है, डोर में तो मुझे वाइट वॉश करना नहीं, इसलिए 16.2 माइनस 2 मीटर स्क्वायर इजिकल 40.2 मीटर स्क्वायर मुझे मिला, यानी कि मुझे इतना एरिया मिल गया है कि जिसमें मुझे वाइट वॉश करना था उतना एरिया है 14.2 मीटर स्क्वायर।
अभी मुझे पता है कि 1 मीटर का 20 है, ठीक है, रेट चल रहा है 20 रुपीज़ है, यानी कि 40.2 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है मेरे पास, उसका कितना है, यानी कि 14.2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 14.2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि 1 मीटर का 20 है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मशीन 20 मल्टीप्लाई बाय 14.2, यानी कि 284 रुपीज़ हो गए। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इजी था सर। ओके, अभी देखो वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेवन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेवन वैसा ही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 मीटर, फाइंड इज लेंथ। देखो पेरीमीटर दिया है, ब्रेथ दी है, लेंथ फाइंड करनी है। सेम पेरीमीटर का इक्वेशन पुट करो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b, ठीक है, l नहीं दिया है, b दिया है, वैसे ही कोई ऐसा ही सम अभी हमने आगे सॉल्व किया था, उसमें ब्रेथ फाइंड करनी थी, उसमें लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड इज लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर सेवन। ओके ओके सर। ओके, चलो यहाँ पे मैं ये स्टॉप, ओके सर। हाँ, उसकी PDF आपको मिल जाएगी, और मैथ्स के ये वाला चैप्टर में मैं सबको चाहूँगा कि इस चैप्टर को स्किप मत करना, ठीक है, सारे जितने वीडियो हैं, यानी कि जितने भी हमारे ऑनलाइन लेक्चर होते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से, ये चैप्टर तो आपको स्टडी करना है, और इसके बाद में भी एक चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि ए स्टैंडर्ड के लिए ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैथ्स के वीडियो कभी स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। और पता नहीं चलता है तो स्कूल में आके भी आप मुझे बोल सकते हैं, सर मुझे ये चैप्टर नहीं आता है, मैं कौन से दिन आऊँ, तो आप, मैं स्कूल में भी अगर मुझे फ्री टाइम होगा तो मैं आपको टाइम दे दूंगा कि 2 इतने बजे आ जाना, ठीक है, पर आपको स्किप नहीं करना है। ओके, हर एक लेक्चर को अटेम्प्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है, अगर टाइम नहीं तो आप स्कूल में भी आ सकते हो। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्कूल में भी आ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, बाय एंड हैव अ गुड डे।